आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ सैकड़ों पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी मलिक ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सांसद बृजभूषण चरण सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लोग फोन करके धमकी दे रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, बृजभूषण सिंह के लोग मेरी मां के पास धमकी भरे फोन कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। बृजभूषण चरण सिंह के लोग फिर सक्रिय हो गए, हमारे घर परिवार को धमकी मिल रही है। फेडरेशन रद्द किए जाने पर उन्होंने कहा, फेडरेशन में संजय सिंह का दखलअंदाजी ना हो, नई फेडरेशन दोबारा आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो साक्षी मलिक का जो इस वक्त वायरल हो रहा है, तो सबसे पहले देखिए आप ये वीडियो। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। और पिछले दो दिन से जो है वो बृजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है, वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपेगेंडा वो चला ही रहा है। कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे रहा है। अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट की, मैं दो चार दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, कुछ लोग हैं, आईटी सेल है क्या है बृजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहने आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। साक्षी, आपके पास फोन नंबर से अगर फोन आ रहे हैं तो आप लोग पुलिस में इसको इत्तला कर रही हैं, क्योंकि ये बाद में डेंजरस भी हो सकता है अगर आ रहा है। हाँ, मेरी मदर के पास कॉल आया था तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदायी है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चियों को सुरक्षित रहे रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी, या पूरे देश में सुरक्षित रहे, लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर घर परिवार पर थ्रेट करवा रहा है। तो ये तो बड़ा दुख की बात है। आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है मैंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया, उसका मैं स्वागत करती हूँ। और जैसे ही चुनाव हुए तो बृजभूषण ने जो बेउदगी की वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और बृजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 62 किलो में जो है, वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है, और मैं चाहती हूँ कि अंडर 15-17, अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एडहॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है। तो
तो वो भी हमारे अभिभावक हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सबसे मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं, वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो, ये आपसे निवेदन है। तो आपने यहाँ पर ये वीडियो देखा, वीडियो में साक्षी मलिक साफ साफ तौर पर कहते नजर आ रही है कि हमारी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ केंद्र सरकार के पास है। अब देखना ये है कि आखिरकार सरकार यहाँ साक्षी मलिक की सुरक्षा का जिम्मा लेती है या नहीं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, और देखते रहिएगा SBN 9 न्यूज़। धन्यवाद।